नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। देश भर में मॉब लिंचिंग का मामला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ द्वारा किसी एक शख्स पर वार करना, उसे मार मार कर मौत के घाट उतार देना। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और अभी तक देश के अन्य हिस्सों से मॉब लिंचिंग की खबरें सामने आया करती थी, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ गया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आदर्श नगर के लालबाग इलाके में घर में घुसे नाबालिग की पीट पीट कर हत्या करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये घटना शुक्रवार सुबह की है। पुलिस ने इस मामले पर हत्या की धारा का मुकदमा दर्ज करके 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आदर्श नगर के लालबाग क्लस्टर में शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे नाबालिग साहिल मुकेश नाम के व्यक्ति के घर में जा घुसा। इसी दौरान मुकेश की नींद खुल गई और उसने चोरी करने की नीयत से घुसे साहिल को देख लिया, उसे पकड़ा और शोर मचाने लगा। इस दौरान शोर मचने पर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और युवक की जमकर पिटाई करने लगे। उसको इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गया। पुलिस के अनुसार जिस समय वो मौके पर पहुंचे उस समय युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। उसे काफी चोटें आई हैं, तब तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साहिल की मां को बड़ा झटका लगा है और साथ ही उन्होंने अपने बेटे की जबरन हत्या करने पर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मृतक चोरी करने ही गया था या नहीं। पुलिस द्वारा मामले की कड़ी जांच जारी है। अब सवाल घूम फिरकर वही सामने आता है कि इस तरीके से बिना किसी जांच पड़ताल के भीड़ द्वारा किसी पर हमला करने की जो घटनाएं हैं वो लगातार कब तक सामने आती रहेंगी। प्रशासन को इस पर कोई ना कोई कड़े आदेश तो सुनाने होंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए लगातार बने रहिएगा फर्स्ट बाइट के साथ। इसके लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।